नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारतीय द्वारा मनाया जाने वाला महापर्व छठ जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें विशेषकर शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को बड़े विधि विधान से नदी तक के किनारे पहुंचकर माता को नमन कर डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर महापर्व छठ की पूजा आज की जा रही है, जिसमें पूर्वांचल के लोग आज घाटों पर छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। कटनी के छापरवा घाट पर पहुंचकर छठी मैया की जा रही पूजा अर्चना। इसी प्रकार आज जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे गुआरी घाट में छठ की पूजा करने माताओं एवं बहनों की उमड़ी भीड़। नर्मदा किनारे मेला जैसा दृश्य रहा। कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद रही। मृत्यु भोज करने गए लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग। खाना खाने के बाद बीमार हुए लोगों के पेट में दर्द व उल्टी, दस्त होने के बाद सभी बीमार लोगों को पवई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने सभी का इलाज करने के बाद बताया कि फूड पॉइजन की वजह से बीमार हुए लोगों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गाँव के लिए रवाना हुई। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीराजपुर में आदिवासी विकास विभाग के 12 कर्मचारियों पर FIR के आदेश दिए। खंड शिक्षा कार्यालय उदयगढ़ में वर्ष 2011 से 2017 के बीच अनियमितताओं के चलते FIR हुई। आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने दिए आदेश। आरोपी कर्मचारियों में से कई रिटायर्ड हो चुके हैं। आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। देवास के एवी रोड एक्सिस बैंक में फूटा कोरोना बम। 25 में से एक साथ मैनेजर सहित 17 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। देवास एबी रोड स्थित एक्सिस बैंक में आज कोरोना पॉजिटिव बम फूटा। करीब 25 सैंपल में से बैंक मैनेजर सहित 17 कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई, जिसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेट किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर एस गुसर ने बताया कि करीब 25 बैंक कर्मचारियों की कोरोना जाँच की गई थी, जिसमें 17 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहां दवाई एवं किट्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। आज हमारे यहां एक्सिस बैंक के 25 कर्मचारी आए थे RAT टेस्ट कराने के लिए। उसमें से 17 मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं और बैंक मैनेजर को भी पॉजिटिव है, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और जो भी कार्रवाई है वो बैंक मैनेजर को करनी है। नहीं, सभी को होम आइसोलेशन किया गया है और उनको दवाई और किट्स उपलब्ध करा दिए गए। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साई मंदिर के स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सचिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि प्रातः 5:30 बजे भोपाली एवं काकड़ आरती से स्थापना समारोह आरम्भ हुआ। प्रातः 6:30 बजे मंदिर समिति के अध्यक्ष SV पुराणिक एवं सौ वीणा पौराणिक द्वारा आचार्य केशव पांडे, पुजारी प्रशांत गौतम एवं अन्ना गारवे के सहयोग से वैदिक मंत्रोच्चार से श्री शिरडी साई बाबा का अभिषेक किया गया। सचिदानंद सेवा समिति के सदस्यों की समिति उपस्थिति में कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए बाबा की आरती की गई।